Namaste everyone, this is your RB back with a new story. Today it forced me to take an interview of a very special person who has inspired many. His life has been more challenging and he represents our nation today. Mr. Suyash Jadhav. Thank you sir, thank you. Bhai, humne bahut kuch suna aapke bare mein. आप स्विमर हो, हमने न्यूज चैनल में भी देखा था, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी आपकी स्टोरी है. सर जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो, आप प्लीज आपके बारे में हमको बताइए. सर मेरे पापा नेशनल स्विमर थे. ओके. तो लेकिन कई कारण से उनकी कंपटीशन वो खेल नहीं पाए. ओके. तो आपके डैड भी नेशनल स्विमर थे और वो खेल नहीं पाए. खेल नहीं पाए एक्चुअली. हाँ. वो कॉम्पिटिशन दैट ईयर का कैंसिल हो गया. जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि उनका सपना मैं पूरा करूँ. तो उसी टाइम पे उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाया जब मैं 2-3 साल का था. लेकिन बीच में क्या हुआ, मेरे भाई की शादी थी. अच्छा. तो उस शादी में मैं गया था और शादी से पहले एक दिन. हाँ. एक स्कूल पे शादी थी. हाँ. और ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन गई थी. मैं उस टाइम पे 11 साल का था. ओके. तो मैं ऊपर खेल रहा था आयरन रॉड लेके. हाँ. तो गलती से वो आयरन रॉड इलेक्ट्रिक लाइन को टच हो गए. ओके. और मेरे उस इलेक्ट्रिक करंट में मेरे दोनों हाथ कट हो गए. ओ. मुझे हाथ नहीं है, मैं कैसे करूँ काम, मैं आगे कैसे जाऊँ. और उसके बाद मेरे पापा मुझे मोटिवेट करते रहे, मुझे इंस्पायर करते रहे. सो उसी बात को लेके मेरे आशाएं जाग गई और मैंने ठान लिया कि ठीक है भाई, हाथ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कर सकता हूँ. सो उस टाइम पे मैंने सोचा, डोंट थिंक व्हाट यू डोंट हैव, थिंक ऑफ व्हाट यू हैव एंड वर्क ऑन इट. अपने पास जो नहीं है उसके बारे में सोचो मत, अपने पास जो है उसके बारे में सोचो और काम करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सुपर्ब यार. मेरे पास हाथ नहीं है, अगर ये सोच के मैं बैठ जाता तो मुझे कुछ नहीं मिलता. लेकिन हाथ नहीं तो ठीक है, मैं स्विमिंग तो अच्छे से कर सकता हूँ, पढ़ाई तो अच्छे से कर सकता हूँ. तो मैंने उसी ऊपर, उसके ही ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और मैं, आप देख सकते हैं आज मैं यहाँ पे. दिस इज एन रियल स्टोरी सर. स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन खेला और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया था. स्टेट कॉम्पिटिशन हो गया. हाँ. उसके बाद मैं नेशनल में सिलेक्ट हो गया. नेशनल में भी आपने सिलेक्ट किया था? नेशनल में भी सिलेक्ट हो गया. ओके. और उसमें भी मुझे 3 इवेंट्स में फर्स्ट प्लेस मिल गया. सुयश भाई, तो आपको जैसे कि हेल्थ इश्यू है, आपको जिम की भी बहुत जरूरत होगी, आपका डाइट, आपका खाना, आपका जिम, तो कैसा है? जैसे ही मैं बेंगलोर में आ गया तो मुझे पता है स्विमिंग के लिए जिम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है. मुझे पता चला मसल एंड म्यूजिक क्लब है यहाँ पे, जिम है, तुरंत मैंने जिम ज्वाइन कर लिया. यू हैड वॉन मोर देन 90 मेडल्स एज यू सेड इन द इंटरव्यू. व्हिच वाज द बेस्ट कि आपको पता लगे कि हाँ, ये मेडल मिलने पे मेरे को यादगार मोमेंट है? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल 2009 आई वन वर्ल्ड गेम्स बेंगलोर. सो उस टाइम पे कॉम्पिटिशन से पहले एक दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, मुझे 104 टेम्परेचर था, इतना मैं फेवर था. तो उसके बाद पूरी रात मैं मेडिसिंस लिया, दूसरे दिन इवेंट सुबह किया. और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, 28 नवंबर मेरा इवेंट हुआ और उसी दिन मेरा बर्थडे होता है और उसी दिन मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल मुझे मिला. इन लाइफ ना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप. अगर सुयश भाई ने अगर सोचता कि मेरे पास हाथ नहीं है, अगर मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं, तो आज इंटरनेशनल भी नहीं खेल सकते. उनके पास होप था और इन्होंने इंटरनेशनल भी खेला, स्टेट, नेशनल, एवरीथिंग खेला और इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे. इट्स जस्ट वी नीड टू कीप अ होप, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डोंट गिव अप, फाइट फॉर योर टैलेंट, फाइट. जो आपके पास है, यू शुड वर्क ऑन इट गाइस, डोंट गिव अप. आई नो यू हैव अ टैलेंट, आई नो यू कैन डू इट. थिंक व्हाट वर्क यू शुड डू इन अ फ्यूचर. Think what is your goal, what is your aim. That's it guys, from my end. Fight for your talent, don't give up, don't give up. Thank you guys. My name is BHAVESH BAFNA. I'll be coming with the next interview with some inspirational story. Thank you so much guys.